सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम वीरू और मैं बताने वाला हूँ कि VN ऐप कैसे यूज़ किया जाता है। VN ऐप में हम बताने वाले हैं कि आप अपनी वीडियो की क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके। और मैं बताता हूँ कि जो आप अपनी वीडियो बनाते हैं, जैसे आपकी वीडियो की क्वालिटी नॉर्मल है, आपकी जो वीडियो में जो फेस की क्वालिटी है वो भी नॉर्मल है, तो आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसको बढ़ाने के लिए आपको मेरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा और इसको बीच में इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैंने अपनी कई सारी वीडियो अभी जल्दी में ही इसी ऐप से एडिट की है और इसकी क्वालिटी बढ़ा दी है, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ ये इसको यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो इसी तरह आप भी अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसमें क्लियरिटी ही बताया है कि वीडियो की क्वालिटी और क्लियरिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको फुल कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और बताते हैं कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है, और फटाफट इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है उसमें सहायता मिल सके कि इसको कैसे आप एडिट करें, ठीक है। तो चलते हैं इसकी तरफ और बताते हैं कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, आगे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले चलते हैं VN ऐप में, ठीक है। VN ऐप में हम आ जाएंगे। VN ऐप में हम बताने वाले हैं कि अपनी वीडियो की क्लियरिटी कैसे बढ़ाई जाती है, ठीक है। तो प्लस वाले आइकन पर हम क्लिक करेंगे, फिर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है सब, ठीक है। अभी देखिए वीडियो का कलर कैसा है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं वीडियो कैसी है, ठीक है, वीडियो ऐसी चल रही है। तो वीडियो को हमको क्या करना है, इसकी क्लियरिटी बढ़ानी है, और ये जो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है इसको थोड़ा सा हम ब्राइटनेस इस पर लाएंगे, ठीक है। तो हम इसको अभी स्टॉप करते हैं। इसमें हमको कुछ नहीं करना है। नीचे यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है फ़िल्टर, ठीक है। फ़िल्टर पे हम क्लिक कर लेंगे। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एडजस्ट दिया गया है। एडजस्ट पे हम आ जाएंगे, ठीक है। एडजस्ट पे आने के बाद हमारे पास इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, जिसका यूज़ करके हम वीडियो की अपनी क्लियरिटी बढ़ा सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इस वीडियो की जो क्लियरिटी है वो कैसी है। अभी कुछ टाइम बाद आप देखेंगे इसकी क्लियरिटी कैसी हो जाएगी। तो इसको हम थोड़ा सा, ये जो एक्सपोजर है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है, इसको हम इतना बढ़ा लेंगे। उसके बाद है कंट्रास्ट, कंट्रास्ट पे आएंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्राइटनेस पे आएंगे, इसको बस थोड़ा सा बढ़ाएंगे। फिर सैचुरेशंस पे आएंगे, इसको हमको क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ठीक है, लगभग इतना बढ़ा लेंगे। उसके बाद है वाइब्रेंस, वाइब्रेंस पे आएंगे हम, इसकी क्वालिटी थोड़ा कम करेंगे, इतनी करेंगे, ठीक है, इतनी कर देते हैं, ठीक है। और फिर सैचुरेशन पे आएंगे, इसको इतना रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर पे आने के बाद टेम्परेचर हमको क्या करना है, थोड़ा सा कम कर देना है। फिर उसके बाद विंटेज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। फिर HCL पे आएंगे। HCL में हमको सबसे पहले ये जो रेड कलर दिया गया है इससे हम क्या करेंगे, जो लिप्स है उसको थोड़ा सा, ये देखिए लिप्स का कलर चेंज करेंगे। फिर एकदम लास्ट वाले पे क्लिक करेंगे, फिर थोड़ा सा लिप्स का कलर चेंज कर लेंगे। फिर उसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर थोड़ा सा अभी हम इसको थोड़ा सा सेट करके दिखाते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। इसको इतने पे रहने देते हैं। तो इसके बाद ये ब्लू वाले पे आएंगे, इसको बढ़ा लेंगे, इसको इधर बढ़ा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर से वापस आएंगे, सैचुरेशन पे आएंगे, ठीक है, इसको पूरा बढ़ा लेंगे। विब्रेंस पे थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद फिर हम जाएंगे HCL पे, HCL पे आ गए, फिर रेड वाले पे क्लिक करेंगे,
इधर वाले पे क्लिक करेंगे, इसको पूरा बढ़ा देंगे, फिर रेड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए हमारी वीडियो की क्लियरिटी बढ़ गई है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब ये देखिए हमारी वीडियो की क्वालिटी पूरी चेंज हो गई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और एडिट कर देते हैं, एडजस्ट पे आएंगे, उसके बाद कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट को थोड़ा घटा लेंगे, एक्सपोजर को थोड़ा घटा लेंगे, उसके बाद वह ब्राइटनेस, ब्राइटनेस को थोड़ा सा लो रखेंगे, सेचुरेशन के बाद ये देखिए थोड़ा सा इसको कम कर लेंगे, विब्रेंस है इसको इतने पे रहने देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए पहले से हमारी वीडियो में कितना बदलाव आ गया। इसी तरह हम अपनी वीडियो को बदल सकते हैं, और मैं अपने अपने वीडियो को जो हमेशा ऐसे ही बदलता रहता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह आप भी अपनी वीडियो की क्लियरिटी बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने बढ़ाया है, जैसे जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है वैसे ही करके आप भी इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए ये देखिए अच्छी खासी क्वालिटी बढ़ गई है। इसी तरह आप भी अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाई है, इसी तरह आप भी अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, उसको आगे पीछे कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ये तो मैंने बता दिया। अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर इसमें कहीं से भी इफ़ेक्ट लगाना है, तो ये एफएक्स का है इफ़ेक्ट, आप कहीं से भी कहीं पे भी लगा सकते हैं। अभी कुछ नए नए इफ़ेक्ट आए हैं, ये देखिए अभी कुछ नए नए इफ़ेक्ट आए हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद इसमें स्पीड भी आप अपने मुताबिक बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और इसमें एक ये चीज़ दिया गया है, मिरर, मिरर आप अपने हिसाब से ये देखिए इसको जिस साइड में करना चाहते हैं उस साइड में कर सकते हैं। अब ये देखिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ये साइड थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो इसी तरह आप भी अपनी वीडियो को कर सकते हैं। इसको बैक आएंगे, यहाँ से सेव द प्रोजेक्ट एंड एग्जिट, हम इस प्रोजेक्ट को यहाँ से सेव कर लेंगे। अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है ये सेव हो गया है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह आप अपना साथ देते रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि अन्य लोगों में ये वीडियो पहुंच सके।